बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट मैथ स्टडी आईएसएसबी एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर विल बी मेंटल मैथ। तो मैथ स्टडी को पहले स्टडी करते हैं। मैथ स्टडी में सबसे पहले नंबर पे आप यहां पे कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शंस डाल लेना, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ओके। नॉर्थ हमेशा अपर साइड पे डाला करें, ये इस तरह का जो है ना वो जी पोजिशन इसका बनेगा, ऐसे जेड बनेगा, ठीक है? यानी न्यूज, एन ई डब्ल्यू एस, न्यूज, ओके। यानी एन से स्टार्ट करना है और जेड बनाना है आप लोगों ने। तो ईस्ट जो है वो राइट साइड पे होगा और वेस्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा और साउथ जो है वो नीचे होगा, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, बिल्कुल छोटा सा बना रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे पास फिर स्पेस कम होगा, मैंने जो काम करना है उसके लिए स्पेस ज्यादा चाहिए। ओके। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा, मैं सर्कल बना रहा हूँ ना, पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान है, ओके। ये क्या है? पाकिस्तान। मैं थोड़ा सा ना डायरेक्शन में एग्जैक्ट पोजिशन ना दे सकूं, लेकिन मेरा काम आप लोग को समझाना है, तो इस लेक्चर को जरा समझिएगा और उसके हिसाब से आप लोगों ने फिर अपने खुद ही डायरेक्शन जो है वो स्टडी करने में, डायरेक्शन से ही बताऊंगा, लेकिन मैं भी ये पाकिस्तान की यहाँ पे एक कंट्री बना और वो यहाँ पे पढ़ रही हूँ, यानी होगी नॉर्थ वेस्ट में, लेकिन एग्जैक्ट एंगल पे तो नहीं बना सकूंगा ना। अच्छा जी, मैप स्टडी में जो सबसे पहली चीज आप लोगों ने करनी है वो है कॉन्टिनेंट स्टडी, यानी आपने पाकिस्तान के लिहाज से कॉन्टिनेंट की डायरेक्शन को याद करना है कि वो कॉन्टिनेंट किस साइड पे है। फिर दूसरे नंबर पे मैं बताऊंगा कि उस कंटिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज है और वो कंट्री से फिर आपको मैं अगर कंट्री का डायरेक्शन दे दूं तो जब आपको पता होगा कि यार कॉन्टिनेंट इस डायरेक्शन में है तो उसकी कंसर्न कंट्री का आपको फौरन पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे होता है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे क्या है? नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका का जो डायरेक्शन है ना पाकिस्तान के लिहाज से वो है नॉर्थ वेस्ट, देख लिया ना आप लोगों ने, पाकिस्तान के लिहाज से क्या है? नॉर्थ वेस्ट। अब जितनी भी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज होंगे वो सारे के सारे नॉर्थ वेस्ट में होंगे। नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में आपके पास यूएसए है, कनाडा है, ठीक है, और आई थिंक वो भी है यार, पानामा भी इसी में है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में। तो ये जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज आप लोगों में चार पांच वैसे लिखवा भी देता हूँ, लेकिन आप लोग बाद में फिर देख लेना, और जरूरी नहीं है कि आप इसमें से सारे याद कर लो, सारे तो बहुत ज्यादा होंगे। यानी एनी फाइव कंट्रीज, कोशिश करें कि हर कंटिनेंट के फाइव कंट्रीज जो है वो याद कर ले और उसके साथ उसके जो कैपिटल्स है ना वो याद कर ले, ठीक है? अब जैसे इसमें जो कंट्रीज है ना नॉर्थ अमेरिका में वो है यूएसए, यूएसए है, इसके अलावा क्यूबा है, ये बड़ी मशहूर कंट्री है, मेक्सिको है इसमें, ठीक है, और पनामा है, पनामा कैनाल भी इसी साइड पे है, पनामा, और उसके अलावा जो कनाडा है ना, कनाडा वो भी मेरे ख्याल में नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में है, ठीक है, कनाडा। बाकी जो कंट्रीज काफी ज्यादा है आप लोगों ने सारे याद नहीं करने, मतलब जो फेमस फेमस हो, जो अक्सर हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है, कनाडा जो है वो भी यही, तो यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके फिर और स्टेट्स भी है, क्यूबा है, और एक और लिखवा देता हूँ ग्रीनलैंड, ये भी जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, और मेक्सिको, क्यूबा, पनामा, बस इतने से कंट्रीज आपने याद करने, छह कंट्रीज आप लोगों ने याद करने, ठीक है, और एक और कंट्री भी है, वो भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, जमैका, ठीक है, बस ये सेवन कंट्रीज आप नॉर्थ अमेरिका के याद करें। अब इन सेवन में से मैं आप लोगों से कोई भी पूछूंगा ना, जैसे मैं पूछ लू जी क्यूबा, तो आपने क्यूबा का फौरन बताना है कि यार वो तो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में है, क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और नॉर्थ अमेरिकन कंट्री सारे पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में ही है। ओके, अब मैं आ जाऊं जी साउथ अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, आप लोग मुझे बता सकते हैं जरा साउथ अमेरिकन कंट्रीज का पाकिस्तान के लिहाज से डायरेक्शन कौन सा बनेगा? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बनेगा, शाबाश, जबरदस्त। तो अगर मैं कोई भी साउथ अमेरिकन कंट्री का पूछूंगा
डायरेक्शन पाकिस्तान के लिहाज से कौन सा है, तो आप लोगों ने बताना है कि यार साउथ वेस्ट में है, क्योंकि वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, तो इसका डायरेक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ साउथ वेस्ट, ठीक है। और इसमें जो मुझे याद पड़ रहे हैं वो ब्राजील है, ये अच्छे अच्छे फुटबॉलर की जो कंट्रीज है ना, ब्राजील, अर्जेंटीना, पीरो, ये सारे, चिली, ये सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, यहाँ के लोग फुटबॉल बड़े जबरदस्त खेलते हैं, ठीक है। ब्राजील, अर्जेंटीना, मतलब एक लाइव एग्जांपल, मेरे एक अंकल गए थे तो वो, उनमें जाना तो यूएसए है लेकिन वो साउथ अमेरिकन से होते होते उधर पहुंचना था ना, वो उस पे था माइग्रेशन टाइप वीजा था, तो वो वहां पे फुटबॉल खेलने जाते थे ना, तो कहते यार छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता, मतलब जो 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह के छोटे छोटे बच्चों के साथ, हालांकि वो यहाँ के अच्छा फुटबॉलर था। तो ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ये कंट्री है, चिली भी इसी में आता है, ठीक है। एक पीरो है और एक जो है वो चिली है, ये सारे जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, ठीक है। और भी है लेकिन बस आप लोग ये पांच याद कर लेना, ठीक है। जैसे वेनेजुएला, इक्वाडोर, जिस तरह पाकिस्तान में नॉर्दर्न साइड काफी खूबसूरत है ना, सवात, मरी, ठीक है, नतिया गली, बटाबाद, इस तरह साउथ अमेरिकन कंट्रीज में सबसे जो प्यारा स्टेट है वो है इक्वाडोर का, ठीक है, पहाड़ी इलाका है, और ये पिक्चर्स आप लोग देख सकते हो नेट से, बस इतने काफी है। बाकी आप लोगों ने एक और कंट्री कभी सुना होगा ये फुटबॉल में, यूरुग्वे और पैराग्वे, सुना ही नहीं सुना आप लोगों ने, सर सुना है, तो ये भी जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में आते हैं। आई थिंक आप लोग को साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी क्लियर हो गए। यस सर। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना मैंने पाकिस्तान की डायरेक्शन इसकी बहुत करीब बना दी, मुझे थोड़ा सा इसको दूर बनाना चाहिए था, क्योंकि बीच में भी मुझे यूरोप और वो भी बनाना है, ठीक है, तो मैं इस जगह से इसको एरेस करके थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, ठीक है। सर्कल तो एरेस नहीं होगा, मैं पाकिस्तान यहाँ बना देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास जो बिल्कुल वेस्ट में है ना व्यू, यूरोप है, डायरेक्टली जो है वो वेस्ट में क्या आ रहा है, यूरोप आ रहा है, और उससे नीचे जो है वो आ रहा है कौन सी कंट्रीज बोला, अफ्रीकन कंट्रीज। अच्छा, अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ अमेरिकन कंट्रीज का डायरेक्शन एक ही काउंट होगा, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज भी हमारे साउथ वेस्ट में है, और जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया कि आप लोग मुझसे बिल्कुल इख्तिलाफ कर सकते हैं कि सर कोई अफ्रीकन कंट्री फलानी जो है ना वो तो बिल्कुल वेस्ट में पड़ रही है, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि अगर ओवरऑल अफ्रीकन कंट्रीज हो कोई भी तो वो जो है वो साउथ वेस्ट में होगी, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि कीनिया जो है वो अफ्रीका में है या साउथ अमेरिका में है? कीनिया अफ्रीका, अफ्रीका में है, ठीक है। एक कीनिया है और एक साउथ अफ्रीका है, क्रिकेट टीम भी है जिनकी, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और नाइजीरिया जिसका कैपिटल है अबुजा, नाइजीरिया, ये कैपिटल भी मैं आप लोगों से याद करवाऊंगा इंशाल्लाह। तंजानिया, जिम्बाब्वे, हाँ जिम्बाब्वे भी इसी में है, बिल्कुल तंजानिया, जिम्बाब्वे, ये जो 8 से 10 फेमस कंट्रीज है ना, ये काइंडली आप लोग लाजमी याद करें, बल्कि आज के लेक्चर में ही आप लोग को इंशाल्लाह ये कुछ ना कुछ मैं रिविजन दे रहा हूँ, ये मैं आप लोग को एक किस्म की रिविजन ही दे रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको इसी स्टाइल से याद करना है। मोराको है, ठीक है, युगांडा है, सोमालिया है, अल्जीरिया, सूडान, सूडान एक और फेमस कंट्रीज है, ठीक है, सूडान जिसका कैपिटल खरतूम है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, जिम्बाब्वे और जेम्बिया, ट्यूनिशिया, बस ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक और फेमस कंट्री इसमें है लीबिया, लीबिया जो है वो भी अफ्रीकन कंट्री है, तो आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गई है। तो अफ्रीकन कंट्री की डायरेक्शन कौन सी होगी, आप लोग अगर मेरे साथ साथ डिस्कस करेंगे तो मुझे खुशी होगी बेटा। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज का तो आप सब लोग को पता होगा, आप लोग बड़े शौकीन है यूरोप, यूरोप देखने के, तो बताइए जनाब यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी आ गया,
फ्रांस आ गया, और बताते जाओ बेटा, बाकी लोग भी बताए। यूके, यूके तो बस समझ लेना कि लंदन ही हो गया ना, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये लंदन वाला साइड है, ठीक है, इंग्लैंड जिसको कहते हैं, सो और यूक्रेन, यूक्रेन भी है बिल्कुल, इटली है, इटली लिथुआनिया और स्पेन, सर, इटली स्पेन, स्पेन, पुर्तगाल, हाँ, पुर्तगाल। अच्छा ये पुर्तगाल ना अक्सर पूछते हैं और लड़कों के जहन में होता है कि ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, पुर्तगाल, पुर्तगाल का भी कोई टीम है फुटबॉल का ना? यस सर है, हाँ मैं खुद इसके जहन में सोच रहा था कि साउथ यस सर, अमेरिकन फुटबॉल कंट्री है। ठीक है, ग्रीस है, नेदरलैंड, आयरलैंड, ये नेदरलैंड और आयरलैंड ये भी सारे जो है वो यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड है, माल्टा, माल्टा याद रखना, देखो वहां चिली और यहाँ माल्टा, ये याद रखना, ठीक है, माल्टा भी यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, और एक सबसे छोटी कंट्री पूरी दुनिया की वो कौन सी है पता है? वेटिकन सिटी। वाइटिकन सिटी, वो भी यूरोप में है, ठीक है, वाइटिकन सिटी साइप्रस है इसमें, और बस इतने काफी है, वैसे और भी है, मतलब मैं तो ये नहीं कह रहा कि और नहीं है, लेकिन 4 से 5 या 8 से 10 आप लोग याद किया करें, ठीक है, तो यूरोप जो है वो आप लोग के, यूरोपियन कोई भी कंट्री दे आप लोग, वैसे मैप से देख लेना कुछ इसमें नॉर्थ वेस्ट में भी है, लेकिन ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज वेस्ट साइड पे है, ठीक है, और ये पाकिस्तान मैंने को बहुत ज्यादा करीब बना दिया, ये ऐसा नहीं है कि इसके नेबर में आ रहा है, अभी मुझे एक बार फिर इसको मिटाना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, ठीक है, ताकि इधर मैं बीच में एशियन कंट्रीज भी लिख दूँ। अच्छा जी, ये हो गया भाई पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के करीब करीब जो कंट्रीज है ना एशियन कंट्रीज का, तो आप लोगों को पता है, मैं नहीं बताऊंगा, हाँ यहाँ पे ना साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में एक बरियाजम है, उसका नाम क्या है शाबाश बताइएगा जरा, साउथ ईस्ट, SE फॉर साउथ ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, हाँ ओशनिया, जिसके अंदर एक ऑस्ट्रेलिया है और एक न्यूजीलैंड, और एक न्यूजीलैंड है, ठीक है, ये जो है ना, अब मैं बता दूं कि यार न्यूजीलैंड पाकिस्तान के किस साइड पे है, तो आप क्या बताएंगे कि ये साउथ ईस्ट में है, किस साइड पे है बेटा? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस मैप को आगे ले जाऊं, ठीक है, अब आप लोग बताइए पाकिस्तान के डायरेक्ट नेबरिंग कंट्रीज, चाइना इन द नॉर्थ, इंडिया इन द ईस्ट, और इस साइड पे है अरेबियन सी, क्या है बेटा? अरेबियन सी। अच्छा अरेबियन सी की दूसरी साइड पे कौन सी कंट्रीज है? सऊदी अरब साइड पे है बेटा, इधर एक कंट्री है उसका नाम मेरे ख्याल में ओमान है, ओमान सबसे करीब पड़ते हैं पाकिस्तान को, यार ये आप लोग उससे देख लेना, मैप से देख लेना, मुझे याद नहीं है, ठीक है, सऊदी अरब थोड़ा सा साइड पे है, ठीक है, जी स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस यस सर। ओके अच्छा, पाकिस्तान के साइड पे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, और साउथ वेस्ट में जो है वो ईरान है, मतलब बीच का ना कुछ एरिया जो है वो ईरान को दे देना और कुछ एरिया अफगानिस्तान को दे देना वेस्ट साइड पे, ठीक है। अच्छा, और ईरान और अफगानिस्तान का यहाँ पे जो पाकिस्तान का कौन सा सूबा मिलता है जो ईरान को साथ मिलाता है, उसका नाम है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का कौन सा सूबा है जो ईरान के साथ बॉर्डर बनाता है बताइए? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान का कुछ एरिया अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर बनाता है, और अफगानिस्तान के साथ KPK का भी कुछ एरिया बॉर्डर बनाता है, ठीक है, ये वैसे याद रखना चाहेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि जापान कहाँ पे है, पाकिस्तान के किस साइड पे है, मुझे साइड बताइएगा, मैं उसमें फिर लोकेट कर दूं, मुझे वैसे ध्यान में पड़ रहा है कि एक जगह पे है, मैं नहीं बताऊंगा, यार मेरे ख्याल में तो यहाँ पे है, क्या आप लोगों का क्या ख्याल है? डायरेक्ट ईस्ट पे, साउथ ईस्ट पे है, मुझे तो लग रहा है कि जापान यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में, चलो खैर वो देख लेना क्योंकि जापान की लोकेशन जो है वो लाजमी देख लेना। अच्छा इंडिया के ईस्ट में क्या है, इंडिया के ईस्ट ईस्ट पे ही है, ईस्ट पे ही है,
ठीक है, इंडिया के ईस्ट में क्या है? बांग्लादेश, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, म्यांमार, यहाँ एक और कंट्री है मुझे भी याद नहीं है, वो अगर पूछना कि इंडिया के डायरेक्टली ईस्ट में कौन सी कंट्री है तो वो बताना आप, मुझे इसका याद नहीं है, शायद फिलीपींस है या कोई नॉर्थ कोरिया, फिलीपींस या कोरिया में कोई एक है, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, अच्छा ये रशिया कहाँ पे है? रशिया, इस जगह है रशिया बेटा, इधर देख ले, ये जगह है रशिया का, जो किसी जमाने में यूएसएसआर कहलाता था लेकिन अब टूट के रशिया बन गया। ठीक है, अच्छा ये कहानी समझ आ गई है, इसको थोड़ा सा आपने गूगल से रिवाइज कर लो, मैं कॉल सुन लू। अस्सलाम वालेकुम, हाँ संगालिया, एनी क्वेश्चन? हेलो, क्या आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही? क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा ये हो गया भाई रशिया, अच्छा रशिया की कहानी थोड़ी सी सुने इसी के बीच में ना, कि 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान पे हमला किया। ओके, उस वक्त अफगानिस्तान पे हमले करने का इसका मकसद ये था कि ये आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले इलाके पे कब्जा कर लिए, और बलूचिस्तान की जिस आजकल जो सीपेक बन रहा है ना, वो समंदर का एरिया ये रशिया के कब्जे में आ जाए, ये इनका प्लान था। लेकिन पाकिस्तान के उस वक्त आई थिंक जनरल जिया थे, उन्होंने अफगानिस्तान में कुछ मदद वदद कर ली तालिबान की और रशिया को शिकस्त हुई थी। ठीक है, और उस वक्त जो रशिया के खिलाफ लड़े थे लोग, जो अफगानिस्तान के लोकल लोग थे, वो उसको कहते हैं गुड तालिबान। अक्सर इंटरव्यू में पूछते ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, तो जो रशिया के खिलाफ लड़े थे अफगानिस्तान वाले साइड से, जिनकी काफी मदद की गई थी पाकिस्तान की साइड से भी, मैं भी, तो वो गुड तालिबान थे, और गुड तालिबान ने अपनी कंट्री का जो है बड़े अच्छी तरह से दिफा किया और रशिया को शिकस्त हुई थी उसमें। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो आए जो टेररिस्ट थे, जो सुसाइड अटैक्स करते थे, और ज्यादातर जो है उनको फंडिंग भी की जाती थी कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज की साइड से, तो वो थे बैड तालिबान। गुड तालिबान कभी भी सुसाइड वगैरह वाले साइड पे नहीं गए। अच्छा, जब रशिया टूट गया ना, तो रशिया से जो कंट्रीज बने वो भी है नॉर्थ वेस्ट में और कुछ नॉर्थ में, ठीक है, कुछ नॉर्थ में और कुछ नॉर्थ वेस्ट में, इस साइडों में है, और उनके नाम है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काफी प्यारी कंट्री है पिकनिक टूर्स के लिहाज से, तुर्कमानिस्तान, ओके, और अजरबैजान। ये वो कंट्रीज है जो रशिया के तोड़ने के बाद जो है वो बने थे। ठीक है, तो ये थी पूरी मैप स्टडी। अब मैप में जो सेकंड चीज है वो है कैपिटल्स। कैपिटल्स आप लोगों ने ना, जो 5 to 10 कंट्रीज मैंने आप लोगों को लिखवाए, इनके कैपिटल्स तो आप लोगों को लाजमी याद होने चाहिए। दूसरा, मैंने आप लोगों को ग्रुप पे ना ब्लू पेजेस भिजवाए हैं, ब्लू कलर का शेड दे रहे, वो पेजेस के अंदर हमने कुछ कंट्रीज ना फाइनल किए हैं कि यार इन कंट्रीज का आईसीसीबी में ज्यादा पूछते हैं, उन कंट्रीज का कैपिटल आप लोग लाजमी याद करें। बिल्कुल, उसके साथ मैंने तो शायद कैपिटल लिख के भी है। ठीक है, आप लोगों को ब्लू पेजेस मिले हैं ना आईसीसीबी ग्रुप में? यस सर। हाँ, तो उसपे जो कंट्रीज हमने फाइनल किए ना, वो आई थिंक कोई होंगे 40-50 कंट्रीज होंगे, वो आप लोगों ने जो है वो लाजमी करने हैं। ठीक है, so this was all about map study. map study एक दफा दोबारा हल्का फुल्का रिवाइज करवा दूं कि आप लोगों को कंटिनेंट के डायरेक्शन का पता होना चाहिए। अगर आपको कंटिनेंट का डायरेक्शन का पता हो तो आप लोग उस कंटिनेंट के अंदर जो कंट्रीज है उनका डायरेक्शन आप आराम से बता सकते हैं, और अगर आपको उस कंटिनेंट के अंदर 8 to 10 कंट्रीज जो मैंने लिखवाए हैं, जो मैंने ग्रुप पे सेंड भी किए, सिर्फ ये बताओ कि यार ये जो कीनिया है ये अफ्रीकन कंट्री है, तो आपको सिर्फ कीनिया के डायरेक्शन याद नहीं करना, बस आप अफ्रीका का डायरेक्शन वाले याद है कि यार वो साउथ वेस्ट में है, तो ऑटोमेटिकली कीनिया भी साउथ वेस्ट में ही होगी। क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? यस सर। ओके, अभी सब लोगों से एक एक क्वेश्चन, ठीक है, काइंडली माइक पे आते जाइएगा, जिन जिन से क्वेश्चन कर लो। पहला क्वेश्चन मेरा अब्दुल्ला से है, अब्दुल्ला माशाल्लाह एक्टिव मेंबर है क्लास का,
अब्दुल्ला चिली जो है ना, चिली एक कंट्री है, पाकिस्तान के किस डायरेक्शन में है? सर ये साउथ अमेरिका में, तो साउथ वेस्ट में होगा। साउथ वेस्ट में होगा, ठीक है। हाद आलम आप चैट में दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। यस सर। हाद आप बताए बेटा, ये जो जिम्बाब्वे है ये पाकिस्तान के किस साइड पे है? जिम्बाब्वे सर अफ्रीका में है, तो वेस्ट और साउथ। क्या मतलब यार, साउथ वेस्ट। हाँ साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है। वेल डन मोहम्मद तलहा। मोहम्मद तलहा आप ये बताइए कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान के किस साइड पे है? न्यूजीलैंड सर साउथ ईस्ट। न्यूजीलैंड साउथ ईस्ट में है, ठीक है। आप लोग कहीं से हेल्प नहीं ले रहे ना, ठीक है। हाँ मुजम्मिल जी सर। मुजम्मिल पनामा पाकिस्तान के किस साइड पे है? पनामा। पनामा यार मुजम्मिल मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। और अली के आईडी से कौन है? अली सर मैं हूँ। हाँ पहचान लिया अली। ये बताइए कि माल्टा पाकिस्तान के किस साइड पे है? माल्टा आपने बताया था कि यूरोप में, ठीक है, तो वेस्ट पे। वेस्ट पे है, ठीक है। और कौन रह गया यार? मुदस्सिर। मुदस्सिर मुदस्सिर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मुदस्सिर मुझे बताए कि इक्वाडोर पाकिस्तान। यस सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। इक्वाडोर पाकिस्तान के किस साइड पे है? सर आवाज कट रही है, आप कैंडी रिपीट कर देंगे? मैं कह रहा हूँ इक्वाडोर पाकिस्तान के किस साइड पे है? सर ये नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ वेस्ट में। इक्वाडोर नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, इक्वाडोर साउथ अमेरिका में है, ठीक है। आपका आंसर गलत आ गया। अच्छा आप ये बताइए कि जो पुर्तगाल है वो पाकिस्तान की किस साइड पे? पुर्तगाल। पुर्तगाल सर यूरोप में, तो सर ये वेस्ट पे आ जाएगा। वेस्ट पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स काइंडली माइक पे आके मुझे बताइए कि आप लोगों को मैप स्टडी समझ आ गई है? यस सर। यस सर। ओके अच्छा इसमें आप लोगों ने दो चीजें और करनी है। एक जो है वो कैपिटल्स याद करने हैं इन कंट्रीज के, और दूसरा आप लोगों ने सी के इंफॉर्मेशन मैंने भिजवाए आप लोगों को कि रेड सी कहाँ पे है, डेड सी कहाँ पे है, ठीक है, और येलो सी कहाँ पे है, और उसको डेड सी क्यों कहते हैं। मेरे ख्याल में डेड सी तो रशिया के पास है ना, आप लोगों ने स्टडी किया था डेड सी को? जॉर्डन। जॉर्डन सर जॉर्डन। अन्य रशिया के पास जो सी है, हाँ वो कूल सी है। रशिया के पास सर व्हाइट सी, व्हाइट सी है, व्हाइट स्टोन्स की वजह से व्हाइट सी है। हाँ व्हाइट सी, सॉरी व्हाइट सी। इस व्हाइट सी की वजह से ना रशिया ने अफगानिस्तान पे हमला किया था, क्योंकि व्हाइट सी जो विंटर में ना, विंटर में पूरा बर्फ बन जाता है, इसके अंदर जो शिप है ना वो ट्रेवल नहीं कर सकते फिर व्हाइट सी में। तो उस वजह से यूएसएसआर यानी रशिया का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है ना वो सर्दियों के मौसम में रुक जाता है, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। इस वजह से आजकल ये रशिया सी पैक में भी आ गया है, ठीक है। सी पैक में भी ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि मुझे कम अज कम ये जो 6 से 7 महीने है व्हाइट सी के, तो वो मुझे मिल जाएंगे, मैं यहाँ से अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करूंगा। तो ये सी के इंफॉर्मेशन, कैपिटल और जियोग्राफिकल लोकेशंस कंट्रीज के, और इसमें मैंने एशिया को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, ठीक है। एशिया आप लोग काइंडली खुद स्टडी कर लीजिएगा, खासकर ये जापान, फिलीपींस और यहाँ पे जो कंट्रीज है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया,
ठीक है, ये अच्छी तरह से आप लोग इसकी लोकेशन जानिएगा कि किस साइड पे है। ठीक, तो ये था हमारा मैप का लेक्चर। अभी हम चलते हैं दूसरे लेक्चर की जानिब जो है मेंटल मैथ यानी मैथ लॉजिक्स। ठीक है, सो इसे ला कर लेते हैं। मैथ के बारे में अगर आप लोग के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ सकते हैं, नहीं है तो नो सर बता दीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ू। नो सर, नो क्वेश्चन, नो सर। अच्छा जी, मैथ लॉजिक्स, कुछ ना कुछ तो खैर आप लोगों को पता भी होगा। सबसे पहले नंबर पे जो है वो स्पीच के क्वेश्चंस करते हैं। इसमें कुछ लड़कों ने लास्ट क्लास मेरी मैथ अटेंड कर ली थी, तो वो लड़के काइंडली बोर ना हो जो फिजिकल वाले हैं, उनमें भी मैंने यही चीज पढ़ाई थी। अगर एक गाड़ी की स्पीड है 190 किलोमीटर पर आवर, तो आप बताइएगा कि 6 मिनट में कितना फासला तय करेगा, 3 मिनट में कितना करेगा, ओके, इसके अलावा 1.5 मिनट में कितना करेगा, 10 मिनट्स में कितना करेगा, 20 मिनट्स में कितना करेगा, 5 मिनट्स में कितना करेगा, और 2.5 मिनट्स में कितना करेगा, 30 मिनट्स में कितना करेगा, 45 मिनट्स में कितना करेगा। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स को केल करने के लिए लॉजिक्स है। अब उन लॉजिक्स को जरा गौर से सुनिएगा। तो सबसे जो पहला लॉजिक है, मैं कुछ लॉजिक समझा दे तो कुछ फिर आप लोग खुद भी बना सकते हो, यानी कोई इतना मुश्किल नहीं है काम। ठीक है, अच्छा, जो सबसे पहला काम है वो 6 मिनट वाला है। पहला जो लॉजिक है 6 मिनट का कैसे निकालते हैं, 190 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है, अब्दुल हादी आप बताइएगा 6 मिनट में कितना होगा। नहीं पता सर, 19, well done, शाबाश, जबरदस्त। आपने मेरे साथ तैयारी की थी जब कैडेट कॉलेज जाना था 7th क्लास में? सर मेरे ख्याल से की थी, थोड़ी की थी, इसलिए तुझे पता था। आप जब 7th में थे तो आप मेरे पास आते थे ना? जी जी, अभी माशाल्लाह सेकंड ईयर में हो। जी सर। अच्छा जी, 190 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 60 मिनट्स में 190 किलोमीटर है। ठीक है, 60 मिनट्स में 190 किलोमीटर है, तो 6 मिनट में कितना होगा, तो आपने लास्ट जीरो को ड्रॉप करना है, यानी 6 मिनट में होगा 19। सिंपल बात, 6 मिनट में कितना होगा जी, 19 होगा, यानी 10 से आप लोगों ने डिवाइड करना है। जब 6 मिनट का निकालना हो तो 10 से डिवाइड करना है, और जब 10 मिनट्स का निकालना हो तो आप लोगों ने 6 से डिवाइड करना है। तो ये सबसे अच्छा शॉर्टकट है। अभी अगर 3 मिनट्स का पूछे तो 6 का हाफ जो है वो 3 है, तो 19 का जो हाफ है वो है 9.5। 19 का हाफ क्या है, 9.5, यानी 3 मिनट में 9.5 किलोमीटर, 9.5 किलोमीटर होंगे 3 मिनट्स में। ये समझ आ गई स्टूडेंट्स? यस सर। अच्छा जी, एक कार की स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर, और इससे मैं मुख्तलिफ चीजें निकाल रहा हूं। ठीक है, तो 6 मिनट में कितने होंगे बताइए, शाबाश। 20। 6 मिनट में 20 होगा। 3 मिनट में कितना होगा, 10। 10। 1.5 मिनट में कितना होगा, 5। 4.5 मिनट में कितना होगा, 15 से। 15, जबरदस्त, शाबाश। 9 मिनट में कितना होगा, 30 से। 30, ठीक है, 9 मिनट के लिए मैंने ये 6 और 3 को प्लस किया, तो यहाँ से जो है वो 20 और 10 को प्लस किया, तो ये 9 मिनट में आ गया 30 किलोमीटर। 9 मिनट में कितना आ गया जी, 30 किलोमीटर। तो ये तो हो गई 6 मिनट वाली बहस ना। अच्छा, वो आपको ऐसी चीज देंगे जो उस कंसर्न टेबल में आ रहा हो, जैसे अगर वो आपसे 10 मिनट का पूछते हैं ना, तो वो फॉर एग्जाम्पल 180 किलोमीटर पर आवर ही देंगे, तब आप उसको जो है वो डिवाइड कर सकते हो, और अगर ऐसा ना हो तो आप फुल डिविजन करें और आंसर बेशक डीपी तक ले जाए, लेकिन मैथ के क्वेश्चन में सॉरी नहीं बोलना। मैथ के क्वेश्चन बेशक आप 5 मिनट लगा ले, 6 मिनट लगा ले, वो आपका वेट करेगा,
और लेकिन वो भी आपका वेट करेगा, वो भी अगले क्वेश्चन पे नहीं जाएगा जब तक तुम्हारा आंसर ना आ जाए। और अगर 3 मिनट के वेट के बाद भी तुम गलत बोलो ना, तो फिर वो भी परेशान हो जाएगा कि यार मैंने इसका 4 मिनट वेट भी किया फिर भी ये गलत बता रहा है। तो इसलिए आप लोग काइंडली कैलकुलेशन आराम से करें। गलत बंदा कब बताता है, जब ये आप ये सोचना शुरू कर दो कि यार अगला बंदा तो 30 सेकंड के बाद अगला सवाल फेंकने वाला है या 1 मिनट के बाद मुझे कहेगा कि बस आपका टाइम खत्म हो गया, तब बंदा गलत निकालता है। तो कभी ऐसा नहीं सोचना। आपको अगर इजी क्वेश्चन मिले जो 1 मिनट में हो सकता हो ठीक है, अगर मुश्किल मिले और आपको पता हो कि यार इसमें मुझे 5 मिनट लगने, तो आप 5 मिनट लगाए, लेकिन उसके हर स्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करें। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यार 1000 को 7 पे डिवाइड करें फौरन, तो ये कोई 20 सेकंड और 10 सेकंड वाला सवाल तो नहीं है ना। मुझे 1000 को 7 को ऐसे जहन में डिवाइड करना है, यार 7 1s are 7 3 आ गया, अच्छा 7 4s are 28। अब वो जो मैंने पहले वाला 1 निकाला है ना, वो मैं ऐसे हाथ पे ना, जैसे आप लोग जिक्र करते हो और आपके हाथ में जो बंद बने हुए, तो मैंने पहले वाले को 1 पॉइंट आउट कर दिया और अगले वाले में मुझे 4 करना है, ठीक है। इस तरह आप कोई निशानी रख दे जहन में, याद रखें कि पहले वाले से 1 आया था, दूसरा 7 4s are 28, अच्छा ठीक है जनाब 2 कैरी हो गया, फिर ऊपर से 0 लेकर आऊंगा, आपके पास 2 0 और बच रहे, ठीक है, फिर 7 2s are 14, अब 1 4 2, ये आपके पास जहन में आ गया। अब 7 2s are 14, अच्छा तो 6 आ गया, 1 0 और लेकर आए, 7 8s are 56, सर अगर इधर 1 4 2 8, सर इधर समझ नहीं है आप क्या कह रहे हो, स्टूडेंट्स आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा तो इस तरह की जो ना आप कैलकुलेशन करें और करें बिल्कुल 1 dp 2 dp तक उसको ले जाए, ओके या 1 dp तक ले जाए और उसका अपना आंसर बता दे कि सर इतना आंसर मेरा आ गया। वो फिर आपसे पूछेगा क्या आपको कंफर्म है इतना आ रहा है, तो आप कहेंगे यस सर मुझे कंफर्म है, आपको कहेगा नहीं आप गलत कह रहे हैं, आप फिर बताए नहीं सर मैं सही कह रहा हूँ। अपनी बात से पर नहीं हटना, लीडर वो होता है जो एकदम फैसला करे तो उस पर अटा रहे, कोशिश करे कि फैसला ठीक हो। ऐसा ना हो कि आपने 100 को 2 पे डिवाइड करके 50 आना था और तुम 500 बोल रहे हो और वो आपको बार बार कहे नहीं यार गलत है, कह रहे नहीं भाई सही ठीक है। अबे 100 रुपए 2 बंदों में तकसीम के 500 कैसे मिले, जहन मानता है नहीं मानता, और ऐसा ही होता है आपकी कैलकुलेशन में अगर आप रॉन्ग कर लो। सो प्लीज मेंटल मैथ के अलावा अपना कॉमन सेंस भी यूज किया करो कि पैसे कितने बंदे कितने हैं, ठीक है। ये तो हो गई ये बात, 180 किलोमीटर पर आवर है और वो आपसे पूछे यार 10 मिनट का निकाले, 5 मिनट का निकाले, 20 मिनट का निकाले, तो आप लिख लो भाई 180 किलोमीटर पर आवर 60 मिनट में। अब मुझे आप लोग बताएं शावर 10 मिनट में कितना करेगा, यार ये आप लोग बताते नहीं होने, यही मसला है। 30 किलोमीटर, हाँ 30 किलोमीटर 6 से डिवाइड किया, ठीक है 10 6s are 60, तो जब इधर भी 6 से डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 30 किलोमीटर, ओके। अब 20 मिनट्स में कितना होगा, 10 का डबल 20 तो 30 का डबल 60 होगा। अब इस तरह जो है वो उसमें कितना होगा, 5 मिनट्स में कितना होगा, तो 30 का आधा कर लेना 15 हो जाएगा, ठीक है। 2.5 में कितना होगा, तो 15 का आधा कर लेना 7.5, और ये सब कुछ आपने अपने जहन में सोचना है। सर ये 4.5 में कितना होगा उधर, वो समझा दीजिएगा। 4.5 में तो आप पहले 4 मालूम करेंगे और फिर 0.5, मतलब 3 और डेढ़ करेंगे तो 4.5 है। मैंने पिछले वाले में समझा दिया, लेकिन चलो फिर आपको दोबारा समझा देता हूँ, जरा इधर देखिएगा। मेरे पास यही स्पीड है, ओके मैं यही वाले ले लेता हूँ, 180 किलोमीटर पर आवर 60 मिनट्स में, तो 6 मिनट में 18, 3 मिनट में 9, 3 का आधा 1.5, 9 का आधा 4.5, अब 3 और 1.5 इन दोनों को प्लस करो, 9 और 4.5 को प्लस करो, तो इससे आ जाएगा 4.5 मिनट और इससे आ जाएगा 13.5 किलोमीटर। अब समझ आ गई टीएम? थैंक यू वेरी मच सर। ये किसका सवाल था यार, आवाज तो बड़ी चेंज चेंज सी थी। टीएम था मेरे ख्याल में। अच्छा जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, एक 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, मैं पानी पी कर आ जाता हूँ ना, उसके बाद इसी मैथ को आगे बढ़ाएंगे।
और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को क्लास के स्टूडेंट्स का बताऊंगा, लड़के लड़कियां है तो लड़के ज्यादा है, लड़कियां कितनी होगी, इस तरह के सवाल है। और जो अंडे है ना, दर्जन अंडे इतने के है तो 3 अंडे कितने के होंगे, 2 कितने के होंगे, 30 अंडे कितने के होंगे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। तो आप लोग काइंडली ब्रेक कीजिएगा, 2 मिनट में पानी पी कर आता हूँ, बस क्लास दोबारा स्टार्ट करते हैं।